आज हम बनाएंगे मखाना मिल्क शेक। मखाना मिल्क शेक काफी हेल्थी होता है और जैसे कि आजकल नवरात्रे चल रहे हैं तो नवरात्रों में आप इसे ले सकते हैं, जिससे आपको एनर्जी मिल जाएगी। तो मखाना मिल्क शेक के लिए मैंने लिया है यहाँ पे मिल्क, मखाने 1 कप, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं मैंने, काजू, बादाम और 3 इलायची। आप यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मखानों को, ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा रोस्ट करके रेडी कर लेते हैं। पैन गरम कर लिया है, अब इसमें ऐड करते हैं मखाने। अब इनको चलाते हुए ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट करने से इनका जो भी मॉइस्चर है वो निकल जाएगा और ये अच्छी तरह से पिस जाएंगे। ड्राई फ्रूट्स भी मैं अभी ऐड कर देती हूँ, बादाम, काजू। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि गोला, नारियल, पिस्ता, जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद है। किशमिश भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये ड्रिंक आप जरूरी नहीं नवरात्रि में या फास्ट में ही पिए, आप इसको वैसे भी कंज्यूम कर सकते हैं। काफ़ी हेल्थी रहता है ये मखाना मिल्क शेक और टेस्टी भी बहुत लगता है। मखाने और ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं, गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। मखाने ठंडे हो गए हैं, अब हम इसे मिक्सी जार में ऐड कर देते हैं, साथ में ही ड्राई फ्रूट्स और इलायची। पहले हम इसका पाउडर बना के रेडी कर लेंगे। मिक्सचर देखिए रेडी हो गया है, थोड़ा सा दरदरा सा पीसा है। 1 स्पून हम निकाल देंगे गार्निशिंग के लिए और अब इसमें ऐड कर देंगे मिल्क। एक स्पून ऐड करेंगे शुगर, मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा मैंने केसर दूध में मिक्स करके रखा था, इसे भी ऐड कर देंगे और साथ में डाल देंगे इसमें आइस। अब इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना के रेडी करेंगे। मखाना मिल्क शेक रेडी है, देखिए कितना क्रीमी बना है, कितनी बढ़िया लुक आई है। थोड़ा सा जो मिक्सचर रखा था उसे ऐड कर देंगे ऊपर से, साथ में थोड़े से पिस्ता। और लीजिए हेल्थी मखाना शेक बनके हमारा रेडी हो गया है, कितना यम्मी लग रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं फिर एक ऐसी हेल्थी रेसिपी के साथ।